अरवल जिला के खेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत SH-69 से गश्ती दल द्वारा एक महिला अपराधी को गिरफ्तार कर 4 देशी कट्टा, एक मैगजीन एवं मोबाइल फोन के साथ 14,000 रुपया बरामद किया गया। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम के दिशा निर्देश पर खेजा थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार को बड़ी उपलब्धि भी मिली है, जिनकी अध्यक्षता में गश्ती दल ने पुलिस की गाड़ी देखकर भाग रहे अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने मंगलवार की रात्रि सघन गश्ती के दौरान खेजा कुर्थापथ राज्य मार्ग संख्या 69 पर मंगलाहा के पास बाइक पर सवार कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। रात्रि में सड़क पर खड़े लोगों की देख पुलिस उनके नजदीक जाने लगी। चूंकि वो लोग असलहा लिए हुए थे, इसलिए पुलिस की गाड़ी को अपनी ओर आते देख वे लोग भागने लगे। अचानक लोगों को भागते देख पुलिस ने उनका पीछा किया, जिसमें मौके पर एक महिला को पुलिस ने भागने के दौरान पकड़ लिया। वही अन्य लोग भागने में सफल रहे। वही घटनास्थल से एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया। गिरफ्तार महिला के पास से 4 देशी कट्टा, एक मैगजीन, 2 मोबाइल, नग लगभग 14,000 रुपया बरामद की गई है। क्या रोल था सर? महिला, जाहिर सी बात है कि हथियार उनके झोला में था, उनके हाथ में था, तो सम्मिलित पढ़ी लिखी लड़की है। तो लड़की का घर जो है मखदुमपुर है, ठीक ना, मखदुमपुर विष्णुगंज ओपी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है सर। जैसे उसकी माँ कहती है कि पटना में रहती थी, तो कहीं ना कहीं इस लड़के की चंबुल में आ गई ना। अच्छी डिग्री है इसके पास, कैसे ही पढ़ाई करती थी वो सब तो। और अभी पूछता देखा जाएगा, बहुत कुछ सही नहीं बता रही, देखा जा रहा है। कितना दिन से ऐसा पता चला 6 माह से किराया।